नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एमपी में लगातार सियासी घमासान जारी है, लेकिन इसी बीच बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी जीवन के बारे में। सिंधिया खानदान के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य भारत के दो बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। महज 19 साल की उम्र में ज्योतिरादित्य पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। राजशाही ठाट बाट में पले ज्योतिरादित्य की प्रेम कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं उनकी और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे की मुलाकात एक प्रदर्शनी के दौरान हुई थी और पहली नजर में ही सिंधिया को प्रियदर्शनी राजे से प्यार हो गया था। कुछ समय पहले एक टीवी इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य ने कहा था कि हमारे परिवार वालों ने हमें मिलवाया था, लेकिन हमारी हाँ पर ही सब कुछ निर्भर था। लेकिन जब मैंने प्रियदर्शनी को देखा तो मुझे मना करने का सवाल ही नहीं था। हमारी शादी 1994 में हुई। प्रियदर्शनी का जन्म गुजरात के बड़ौदा गायकवाड़ मराठा राजघराने में हुआ। प्रियदर्शनी की माँ नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। प्रियदर्शनी राजे को सन 1912 में फेमिना ने देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया था। यही नहीं, 2008 में प्रियदर्शनी को बेस्ट ड्रेस्ड हॉल ऑफ फेम लिस्ट में भी शामिल किया गया था। प्रियदर्शनी ने मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से और सोफिया कॉलेज से पढ़ाई की है। वैसे मीडिया से दूर रहती हैं। उनके करीबी उन्हें शांत, सुशील और दयालु कहते हैं। पिता की मौत ने ज्योतिरादित्य की जिंदगी को बदल दिया। हार्वर्ड से पढ़कर लौटे ज्योतिरादित्य को घर के साथ अपने पिता की राजनीतिक विरासत भी संभालनी पड़ी। सफर आसान नहीं था, लेकिन ज्योतिरादित्य को हमेशा प्रियदर्शनी का साथ मिला। दोनों की प्यार की बगिया में आज दो फूल हैं, महान आर्यमन और अनन्या। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।